नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का 9वें दिन विकास यात्रा 16 ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 में गोवर्धन कॉलोनी गेट से प्रारंभ होकर वाल्मीकि बस्ती अशोक कॉलोनी में पहुंची, जहां पर जन चौपाल एवं सभा के रूप में संपन्न हुई। इस मौके पर मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जय प्रकाश राजौरिया जी, जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर भदौरिया जी, राकेश खुरासिया, क्षेत्रीय पार्षद मंजुलता जितेंद्र कुशवा जी, मंडल अध्यक्ष हरिओम झा, पार्षद ब्रजेश श्रीवास, महामंत्री मनीष भिलवार, उमा शीतल भदौरिया, प्रतीक तिवारी, हरि सिंह यादव, महेश कौरव, दिनेश शर्मा, अनिल कौरव, नीलू भदौरिया, दिनेश यादव, संजय गोस्वामी, सतीश चौधरी, रवि पचौरी, रोहित शर्मा, अमित शर्मा, लाला उपाध्याय, जय बाथम, राधे परिहार, भरत तिवारी, राजा कौरव, शुभम भारद्वाज, राजू पथरोल, कुलदीप श्रीवास, महामाया, प्रताप सिंह, राम मिलन सोनी, एच डी ओझा, रामवीर तोमर, रवि धाकड़, अनिल वर्मा, नितिन वर्मा, तरुण शर्मा, विवेक शर्मा, सौरभ पाल, आकाश राजावत, बेटू झा, उमेश सविता, ब्रजेश गौड़, सिद्धि राजावत, जितेंद्र धाकड़, अंकित अग्निहोत्री सहित भाजपा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण एवं क्षेत्रीय नागरिकगण उपस्थित थे। हमारे बीच जय बाथम जी, राजा कौरव जी, सतीश चौधरी जी हमारे बीच और हमारे युवा टीम के साथी बहुत सारे, मैं नाम लूंगा तो लंबी कतार है, नौजवान साथी जिन्होंने दिलदार से किया है, सतीश चौधरी जी, रवि धाकड़ जी, हमारे सब पूरा टीम, इन टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ और सम्मानी महाशक्ति। इस विकास यात्रा का मकसद हमारी जनता की जिंदगी में कुछ खुशहाली लाना है, जनता की समस्याओं से निजात दिलाना है और हमारी पार्टी क्या काम कर रही है वो आप तक पहुंचाना है। तमाम सारे विकास कार्य जो हमारी पार्टी ने किए वो आप तक पहुंचना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि मोटे तौर पर 3-4 बड़े काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जो लगता है कि सरकार तमाम रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो काम अनूठा है, वो काम समाजी कतार में आखिरी व्यक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते थे कि समाजी कतार में जो आखिरी व्यक्ति है उसकी आंख का आंसू पहुंचा जाए, उसको न्याय मिले, उसको प्यार मिले, उसको सम्मान मिले, तभी सही असली लोकतंत्र है। तो आज भाजपा वो काम कर रही है। हमारी मुरा नदी थी और मुरा नदी पर ज्यादातर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं। आपने देखा कि हमारी मुरा नदी रमोगा से लेकर जड़ुआ तक 12.5 किलोमीटर की नदी थी। ये नदी नाला बन गई थी और एक समय था 40-50 साल पहले ये नदी थी, सुंदर थी, ये सिक्का फेंक दो तो सिक्का भी दिखता था, नीला पानी आता था, हम सब लोग उसमें नहाते थे। आज नदी नाला बन गई और नाला बन गई कि हमारा शहर का वाटर लेवल मुरार का कम हो गया। पहले हमारा वाटर लेवल था 50 से लेकर 60 फुट तक, वह वाटर लेवल हो गया हमारा 700 लेकर 800 फुट तक, लगातार नीचे जा रहा है, कारण नदी सूख गई। इस नदी को जिंदा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दो लक्ष्य हैं उसके, नंबर एक मुरार नदी सुंदर हो, साफ हो, दूसरा हमारा वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है, मुरार नदी पानी आ जाएगा तो हमारा वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, तो हमारा प्रयास शुरू हो गया है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।